Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is affinities of echinodermata and ये आपके MSc zoology और BSc zoology के लिए important topic है अगर आप non-cotids पढ़ रहे हो तो and इसमें हम similarities देखेंगे echinodermata जो echinoderms हैं वो lower phylum यानी जो annelida है और hemichordates हैं सिमिलैरिटीज़ क्या होती है सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं वो भी देखेंगे सो सबसे पहले हम जर्नल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि इकाइनोडर्मेटा के जर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं तो इकाइनोडर्मेटा जो है दो वर्ड से बना हुआ है एक आपका इकाइनो मतलब क्या होता है स्पाइनी और डर्मेटा मतलब जो डर्मल यानी स्किन होती है या एक्सोस्केलेटन कहते हैं तो बेसिकली ये स्पाइनी एक्सोस्केलेटन होता है इनमें तो इसके लिए इसे इकाइनोडर्मेटा कहते हैं और इकाइनोडर्मेटा का जब भी बात होता है तो वी ओनली रिमेंबर स्टारफिश हमें स्टारफिश याद आता है कि स्टारफिश होता है तो स्टारफिश की जो बॉडी होती है आपने देखा होगा कि स्पाइनी एक्सोस्केलेटन होता है स्पाइनी होता है थोड़ा तो इकाइनोडर्मेटा क्या होती है इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है एंड अगर बात करें इकाइनोडर्मेटा का तो ये ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड इनमें जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव थ्री लेयर्स थ्री बॉडी लेयर्स फर्स्ट इज एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म एंड सिमिट्री जो होती है इनमें अगर सिमिट्री की बात करें तो इनमें एडल्ट में क्या होती है एडल्ट में रेडियल सिमिट्री होती है ठीक है रेडियल सिमिट्री होती है और अगर लार्वा में बात करें तो लार्वी आर बायलेटरल इन सिमिट्री तो लार्वी जो होते हैं वो बायलेटरल होते हैं जो लार्वा होता है इकाइनोडर्मा का उसमें बायलेटरल सिमिट्री होती है ठीक है और ये अनसेगमेंटेड होते हैं ये अनसेगमेंटेड होते हैं एंड ये मोस्टली मैराइन एनिमल्स होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं ज़्यादा मैरीन एनिमल्स होते हैं एंड ये सिलोमेट्स होते हैं यानी सिलोम प्रेजेंट होता है एंड अगर बात करें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा की फॉर्मेशन होती है इनमें ठीक है देन एडल्ट फॉर्म होता है और सेक्सेस की बात करें सेक्स जो होते हैं डायोसियस भी होते हैं और मोनोसियस भी होते हैं यानी सेपरेट भी होते हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है एंड जो माउथ पार्ट होता है तो ये जनरल ओवरव्यू है मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ मैंने यहाँ लिखा नहीं है एज सच क्योंकि ये बस पॉइंट है आप जो बोलने से नोट कर सकते हो अगर बात करें एनस की बात करें तो जो एनस होता है वो किस साइड प्रेजेंट होता है तो एनस जो है वो बॉडी के डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है और माउथ की बात करें तो माउथ इज़ ऑन वेंट्रल साइड ओके माउथ इज़ इन जो होता है वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है तो ये जर्नल कैरेक्टर्स थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर जो कैरेक्टर्स की बात करें तो पूछा जा सकता है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम जिस तरीके से कैनाल सिस्टम पोरीफेरा स्पंजेस में होता है इसी तरीके से इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इस फाइलम में ठीक है ये मेन कैरेक्टर है चलिए जो हमारा मेन टॉपिक है सिमिलैरिटीज़ हम देखते हैं एफिनिटीज़ ऑफ इकाइनोडर्मेटा तो इकाइनोडर्म्स शो फॉलोइंग एफिनिटीज़ विद एनीलिडा अगर बात करें तो पहला पॉइंट है जो ड्यू टू इंक्रीज्ड लोकोमोटर इफिशियंसी मेटामरिक सेगमेंटेशन वाज अटेंड लोकोमोटर इफिशियंसी को पूरा करने के लिए ज़्यादा हो जाता है जब लोकोमोशन तब मेटामरिक सेगमेंटेशन भी हो जाता है इनमें कभी लेकिन ये अनसेगमेंटेड होते हैं द क्लीवेज शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एनिलिड क्रॉस पैटर्न ऑफ सेल ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ ब्लास्टुला थर्ड पॉइंट इज ओरिजिन ऑफ इकाइनोडर्मल ट्यूबुलर सिलोमिक सिस्टम जो ओरिजिन ऑफ इकाइनोडर्मल होता है ट्यूबुलर सिलोमिक सिस्टम होता है एंड द कैविटीज होती है द कैविटी ऑफ द टेंटिकल्स ओपन इनटू द सरकमो इसोफेजियल वेसल नियर द माउथ तो ये कैरेक्टर्स थे जो कि सिमिलर थे विद एनीलिड्स नेक्स्ट बात करते हैं ये आपका ये
सिपनकुलीडा जो है, सिपनकुलीडा जो है ये आपका एनिलीड में ही आता है। ये सिपनकुलीडा जो है एनिलीड्स में ही आते हैं, क्लास ऑफ एनिलीड है, जो कि क्या होते हैं, अनसिगमेंटेड होते हैं। तो इसके साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती है वो डिस्कस कर लेते हैं इकाइनोडर्म्स की। तो ये सिगमेंटेशन इज़ एबसेंट, ये इकाइनोडर्म में सिगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन लोकोमोटर इफ़िशेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, तब ये क्या करते हैं, अटेन करते हैं मेटामरिक सिगमेंटेशन। ओके, सिगमेंटेशन इज़ एबसेंट इन एडल्ट एज इन लावा, लावा में भी एबसेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज डर्मल ट्यूबुलर सिलोमिक सिस्टम, ये दोनों में सेम था, अभी ऊपर हमने पढ़ा। हम एनिलिडा की बात करें तो ये क्लास ऑफ एनिलिडा है। द कैविटीज ऑफ टेंटिकल्स ओपन इन टू सरकमो ईसोफेजियल वेसल नियर माउथ, ठीक है, ये भी सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा था। सो बेसिकली द बेसिक एडल्ट एनाटॉमी ऑफ सिपनकुलीडा जो होता है सिपनकुलीडा शोज दैट दे आर इन क्लोज सिमिलैरिटी विद द प्रिमिटिव एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। जो प्रिमिटिव इकाइनोडर्म्स हैं उनसे ज़्यादा क्लोज सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं ये सिपनकुलीडा, क्योंकि ये भी क्या है, अनसिगमेंटेड एड है, और जबकि ये क्लास ऑफ एनिलीडा ही है, एक क्लास है एनिलीडा का। नेक्स्ट बात करते हैं डिससिमिलैरिटीज़ विद सिपनकुलीडा। अगर सिपनकुलीडा की बात करें तो क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं दोनों में, डिफरेंस क्या होता है। तो सिपनकुलीडा जो होता है ये प्रोटोस्टोमेटस होता है, यानी प्रोटोस्टोम्स होता है इसमें, यानी दैट इज़ ब्लास्टोपोर इज़ नियर द माउथ बट इकाइनोडर्म्स आर ड्यूट्रोस्टोमस होते हैं। प्रोटोस्टोमेटस मतलब क्या है कि जो ब्लास्टोपोर होते हैं वो माउथ के पास होते हैं, यानी इसमें कोई एनस फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जो इकाइनोडर्म्स होते हैं इनमें ब्लास्टोपोर जो है क्या बनाता है, एनस बनाता है, तो ये एडल्ट एनस बन जाता है। ये डिफरेंस होता है ड्यूट्रोस्टोम्स में, और ड्यूट्रोस्टोम्स में जो आपके क्या क्या आते हैं, ड्यूट्रोस्टोमस में आपके आपके कीटोगेनेथा आता है, हेमिकॉर्डेट्स आते हैं, इकाइनोडर्मेटा आता है, पोग्नोफोरा आता है, पोग्नोफोरा, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा सो नो क्लोज एफिनिटीज टू एनी इन्वर्टिब्रेट्स, बेसिकली कोई भी इन्वर्टिब्रेट के साथ इतनी क्लोज एफिनिटी या सिमिलैरिटी नहीं दिखाता है एक्सेप्ट विद हेमिकॉर्डेटा एंड पोग्नोफोरा। जो हेमिकॉर्डेटा है इससे कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और पोग्नोफोरा के साथ कुछ ज़्यादा ही सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो अगर बात करें सिमिलैरिटीज़ ऑफ इकाइनोडर्मेटा विद हेमिकॉर्डेटा एंड पोग्नोफोरा के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो ये देख सकते हैं, दोज अबव थ्री फाइला हैव अ नंबर ऑफ कॉमन फीचर, इन तीनों में कुछ कॉमन फीचर होते हैं तीनों में। तो वो फीचर्स क्या क्या हैं, फर्स्ट वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ सिलोम बाय एंट्रोगोली। जो फॉर्मेशन होता है, जो एंट्रोसिलोम होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, एंट्रोसिलोम होता है, तो तीनों में होता है। और रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर और एज द साइट ऑफ द फ्यूचर एनस, तीनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ डाई प्लूरिला लार्वा एट सेम स्टेज, जो डाई प्लूरिला लार्वा होता है ये इकाइनोडर्म्स में पाया जाता था, एक इकाइनोडर्म्स का लार्वा है, तो प्रेजेंस होता है सेम स्टेज पे। नेक्स्ट बात करते हैं, अ हार्ट वेसिकल इज प्रेजेंट शोइंग विद द राइट एंटीरियर सिलोम, और लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म इज ऑरिकुलेरिया, मतलब लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म जो होता है लाइक ऑरिकुलेरिया लार्वा हो गया, रिजेंबल्स द टर्नेरिया लार्वा ऑफ सैकोग्लासस, जो कि क्या एक हेमिकॉर्डेट्स होते हैं। तो जो लार्वा होता है इकाइनोडर्म्स का, कुछ लार्वा जैसे कि ऑरिकुलेरिया लार्वा है, ये इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जो कि टॉर्निया लार्वा किसका है, ये सैकोग्लासस का होता है, जो कि एक हेमिकॉर्डेट्स है, तो इसके साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और बाकी ये सिमिलैरिटीज़ विद हेमिकॉर्डेट एंड पोग्नोफोरा के साथ था। अब बात करते हैं डिटेल में सिमिलैरिटीज़ विद हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं अलग से देखते हैं। द मेसोडर्म इज़ ड्राइव फ्रॉम सेल अराउंड द लीव्स ऑफ ब्लास्टोपोर, तो दोनों में सेम है, जो मेसोडर्म जो होता है वो ड्राइव होता है फ्रॉम सेल अराउंड द लीव्स ऑफ ब्लास्टोपोर, एंड दे पजेस अ मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन वेयर इज इन द इनवर्टिब्रेट्स हैव एन एक्टोडर्मल एक्सोस्केलेटन।
जो ओरिजिन ऑफ एंडोस्केलेटन है वो क्या होता है, मीजोडर्मल होता है, इसलिए इसको मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन कहते हैं। बट इन अदर इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, जो ओरिजिन ऑफ एक्सोस्केलेटन है वो एक्टोडर्मल है। मीजोडर्मल आपकी मिडिल लेयर से ही क्या होता है, आपका एंडोस्केलेटन बनता है, हेमिकॉडिट्स एंड इसमें इकाइनोडर्म्स में। द ब्लास्टोपोर बिकम द एडल्ट एनस एज इन कॉडिट्स, वाइल इन इनवर्टिब्रेट द ब्लास्टोपोर बिकम द माउथ एज इन एनिलिड एंड मोलस्क। जो इकाइनोडर्म में क्या होता है, इकाइनोडर्म में ये जो ब्लास्टोपोर है ये क्या होता है, ये एडल्ट एनस में बदल जाता है लाइक हेमिकॉडिट। लेकिन जो अदर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोर है या तो माउथ बन जाएंगे एनिलिड या मोलस्क में, ठीक है, मोलस्क का जो फाइलम है। द माउथ अराइजेस फ्रॉम द एक्टोडर्मल स्टोमीडियम एज इन कॉडिट्स। जो माउथ होता है वो अराइज होता है एक्टोडर्मल स्टोमीडियम स्टोमोडियम से, जैसे कि कॉडिट्स में होते हैं। एंड सिलोम इज एंट्रोसिलिक, जो सिलोम होता है वो एंट्रोसिलोम होता है एंड इज फॉर्म फ्रॉम द लेटरल डाइवर्टिकुला ऑफ द आर्कियंट्रॉन से होता है, जो डाइवर्टिकुला ऑफ आर्कियंट्रॉन से होता है। तो ये बेसिकली सिमिलैरिटीज थी विद हेमिकॉडिट्स। अब हम आते हैं कंक्लूजन क्या है। द टू फाइला लाइक इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉडिटा अरोज फ्रॉम द सम कॉमन एंसेस्टर। जो ओरिजन है, ओरिजन ऑफ इकाइनोडर्म और हेमिकॉडिट का, वो सम कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। हेमिकॉडिट्स आर क्लोजर टू द कॉमन एंसेस्टर। जो हेमिकॉडिट्स हैं वो क्लोज होते हैं टू कॉमन एंसेस्टर। एंड द इकाइनोडर्म हैव अराइजन एज अ ब्लाइंड ब्रांच फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर एंड दस द इकाइनोडर्म आर ग्रेट डेविएशन दिखाता है इसमें। तो बेसिकली ये आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिन, ये फाइलोजेनी ट्री बनी है, फाइलोजेनी ऑफ इकाइनोडर्मेटा। आप इस तरीके से बना सकते हो। ये इनवर्टिब्रेट्स देखिए इधर बने हुए हैं, ये आपका हेमिकॉर्डेट इधर, यहाँ से आपके दो निकले हुए हैं, ये ब्लाइंड ब्रांच इकाइनोडर्म है और यहाँ पे भी कुछ होगा, ऊपर कॉर्डेट्स होगा। तो इस तरीके से फाइलोजेनी बनती है। सो जिसके वजह से क्या होता है कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं दे हैव ग्रेट डेविएशन। सो टुडेज टॉपिक आपका यही था एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।